देखते रहिए UVN0@भोपाल से आरए ब्यूरो की खबर आ रही है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता मानक अग्रवाल का बयान, मध्य प्रदेश का सौभाग्य है जो कमलनाथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी जितना हल्ला मचाएगी उतना फायदा मिलेगा। बीजेपी को पता ही नहीं है कि आईफा अवार्ड से कितना राजस्व मध्य प्रदेश को मिलेगा। निगम मंडल की नियुक्ति पर बोले मानक अग्रवाल, फरवरी महीने में हो सकती है निगम मंडलों में नियुक्ति। मुख्यमंत्री कमलनाथ दीपक बावरिया के बीच बातचीत हो चुकी है, जल्द ही सूची आ जाएगी। देखते रहिए UVN0@, ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। आगे और भी नहीं है, बीजेपी सिर्फ हल्ला मचाना चाहती है, उनका हल्ला मचाना जायज है क्योंकि उनके हल्ला मचाने से आईफा अवार्ड को मध्यप्रदेश के अंदर और ज्यादा क्रेडिट मिलेगी। सर देखा जाए तो एक साल सरकार को हो चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष निगम मंडलों की जो नियुक्तियां है वो लगातार टलती जा रही हैं, तो जो वरिष्ठ नेता है जो कार्यकर्ता है उनमें कहीं ना कहीं जो है नाराजगी देखने को मिल रही है कि हमने लंबे समय से कार्य किया है लेकिन अब जब पद देने की बारी आ रही है तो पार्टी जो है डिले करते जा रही है। देखिए, नाराजगी का कोई सवाल नहीं होता है। निगम मंडल बहुत अनुभव के आधार पर और उसके लिए कुछ क्राइटेरिया बना दिया है दीपक बावरिया जी ने और कमलनाथ जी ने, और उस क्राइटेरिया के तहत छांटा जा रहा है कि किन किन को निगम मंडल के अंदर पद देना चाहिए और उसकी एक्सरसाइज चल रही है। दो बार दीपक बावरिया जी की कमलनाथ जी की चर्चा हो चुकी है और मुझे लगता है कि फरवरी में ये चर्चा फिर से होने वाली है और उसके बाद इसको उसको अंतिम रूप दे दिया जाएगा और निगम मंडल में नियुक्ति मुख्यमंत्री जी कर देंगे। कब तक सर? देखिए, ये डेट इसकी फिक्स नहीं की जा सकती, लेकिन हाँ ये है कि बाबरिया जी और कमलनाथ जी की बात होने के बाद में निश्चित रूप से जल्दी इसकी घोषणा हो जाएगी। सर राज्यसभा की 3 सीटें खाली होने जा रही है और ऐसे में चर्चा इस बात की भी है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रियंका गांधी को भी मध्य प्रदेश से राज्यसभा भेज सकती है। देखिए, राज्यसभा में किसको भेजना किसको नहीं भेजना ये हाईकमान का काम है और हाईकमान इसमें बहुत सोच समझ कर निर्णय लेता है और मुझे लगता है कि अंतिम समय में दोनों सीटों के ऊपर निर्णय हो जाएगा और जो योग्य उम्मीदवार हैं उन्हीं को राज्यसभा के अंदर भेजा जाएगा। अगर प्रियंका गांधी को भेजा जाता है तो सर इसे कैसे देखते हैं? देखिए, प्रियंका जी को भेजा जाए तो ये मध्य प्रदेश के लिए गौरव होगा कि मध्य प्रदेश से प्रियंका जी राज्यसभा में जा रही हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर ये बात मानकर चलिए कि अनुभवी लोगों को ही राज्यसभा में भेजा जाएगा। देखते रहिए UVN0@, बड़ी खबर आ रही है शाजापुर। पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन महाविद्यालय में छात्रों के 2 गुटों में संघर्ष, छात्रों के बीच चाकू चले, 4 छात्र घायल, घायलों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में लाया गया, पुलिस जांच में जुटी। देखते रहिए UVN0@, ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। क्या नाम है? अनिल। रामेश्वर। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? कौन से कॉलेज में? आपको चोट कहाँ लगी थी? कमर। कमर पीछे। भैया